कॉम्प्लेक्स डीएनएस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल डीएनएस कॉम्प्लेक्स डीएनएस, ऐसा भी होता है? यस दोस्तों, बात करेंगे वीडियो में, बट आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे ऐसे अनेक छोटे छोटे उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, क्या है सिंपल डीएनएस, क्या है कॉम्प्लेक्स डीएनएस, क्या दोनों का फर्क है ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में, बड़े संक्षिप्त में हम बात करते हैं। सिंपल डीएनएस, जैसे आपको पता है, हमारा जो नाक का पार्टीशन है, जो सेप्टम है, वो मिडलाइन में होता है, और वो मिडलाइन में नहीं होकर एक तरफ होता है, तो उसको राइट साइड डीएनएस या लेफ्ट साइड डीएनएस यूजुअली बोला जाता है। एंड वो सी सेप भी हो सकता है, वो एस सेप भी हो सकता है। दिस इज द सिंपल डीएनएस। सिंपल डीएनएस का ट्रीटमेंट होता है दोस्तों एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टिक, जिसमें क्या है कि जो हमारा डेविएटेड पोर्शन है उसको निकाल दिया जाता है, बाकी को जो पार्ट है उसको रीसेट कर दिया जाता है, हमें उसकी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाती है। कॉम्प्लेक्स डीएनएस क्या है? कॉम्प्लेक्स डीएनएस, बहुत बार दोस्तों आपने अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में देखा होगा कि हमारा नोज जब यूं हम देखते हैं तो ठीक दिखता है, जब हम नोज यूं देखते हैं तो उसका एक पार्ट बिल्कुल इधर जा रहा होता है, एंड दोनों नोस्टिल अनइक्वल होते हैं। एंड आपने देखा होगा जब आप यू फील करते हैं तो एक डंडी नुमा एक हार्ड स्ट्रक्चर आपको फील होता है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स डीएनएस। दोस्तों, ये जो कॉम्प्लेक्स डीएनएस है उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसका ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, अगर उसका सही ट्रीटमेंट नहीं होता तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। बहुत बार क्या है, जाने अनजाने में कई बार टेक्निक ठीक नहीं होती है, या सर्जन उस कॉम्प्लेक्स डीएनएस के लिए इतना कॉन्फिडेंशियल नहीं होता, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उस पार्ट को जब एक्सिस मात्रा में ट्रिम करके निकाल दिया, आपको उस टाइम पे तो ठीक लगेगा वो, बट दोस्तों 3 महीने 6 महीने बाद आप देखा, अरे यार मेरी नोज पहले बहुत सुंदर थी, ये तो पूरी नीचे आ गई, तो क्रिएट ए ड्रूपी नोज, आपका नोज नीचे आ जाता है। सो कॉम्प्लेक्स जो आपका डीएनएस है उसका मैनेजमेंट, जिसको हम कोडल सेप्टम डेविएशन सीएसडी कोडल सेप्टम डेविएशन जिसको बोलते हैं, इसका मैनेजमेंट होता है दोस्तों, इसका बहुत एक एडवांस मेथड होता है कंप्लीट स्ट्रिप मेथड। उस कंप्लीट स्ट्रिप मोबिलाइजेशन मेथड में क्या किया जाता है, जो दोस्तों हमारा पार्ट यहाँ है उसको हम क्या पूरे अटैचमेंट से फ्री करके द एंटायर स्ट्रिप में मोबिलाइज बिहाइंड दिस पार्ट। अगर आपका नोज नॉर्मल है तो आप यहाँ फील करके देखना, आपको पीछे एक डंडीनुमा स्ट्रक्चर है, एंड आप यहाँ देखोगे तो दोनों तरफ बराबर फील होगा, दिस इज द नॉर्मल थिंग। अगर आपको सीएसडी है, अगर आप फील करोगे तो एक तरफ आपको देखोगे तो आपको क्या है जो हमारा सीएसडी है वो फील होगा, लेकिन इस कंप्लीट स्ट्रिप मोबिलाइजेशन जो मेथड है उसमें दोस्तों इस पार्ट को इसके पीछे एक पॉकेट क्रिएट करके कर दिया जाता है, एंड हमारा नोज का लुक भी दोनों नोस्टिल का बराबर हो जाता है। हम आर्मी एयरफोर्स जो जहां जाना चाहते हैं वहां पे भी आपको मेडिकल में कोई नहीं निकाल सकता, एंड हमें अच्छे से ब्रीदिंग होती है, आपका जो एक कॉम्प्लिकेशन था जो ड्रूपी नोज वो लाइफ लॉन्ग आपको नहीं होगा। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स डीएनएस प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। इसलिए आपको जब डॉक्टर से आप ठीक कराने जाते हैं तो कहीं आप पहले ये जान लीजिए कि कहीं आपकी कॉम्प्लेक्स डीएनएस तो नहीं है, कहीं सर्जरी के बाद आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है। सो दोस्तों, दिस इज द कॉम्प्लेक्स डीएनएस प्रॉब्लम, एंड इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा नॉर्मल जो हमारा सेप्टोप्लास्टी है उससे हटके है। पर दोस्तों, आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा है कि इसको करने से मेरे कहीं बाहर से निशान तो नहीं आ जाएगा, ना दोस्तों, उसमें आपका कहीं बाहर से कोई निशान या कोई ऐसा आपको फील नहीं होता। आपकी सर्जरी के बाद के अंदर बाहर से कोई नोज के ऊपर प्लास्टर नहीं होता। यस, एक दिन आपको एक जेलोनेट की पैकिंग आपको नोज में रखी जाती है, एंड डे आफ्टर टुमारो यू रिमूव द पैकिंग एंड यू डिस्चार्ज द पेशेंट। अगर आपको मेडिकल में जाना है, आर्मी में जाना है, तो करीब करीब 15 दिन बाद आपका मेडिकल अगर होता है तो आप वहां पे जा सकते हैं, आपको कोई नहीं निकालेगा क्योंकि उसमें कोई बाहर से निशान नहीं आता। सो देखा दोस्तों, हमने जाना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेप्टम एंड कॉम्प्लेक्स डीएनएस सीएसडी कोडल सेप्टम डेविएशंस। सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर माय आर्मी एस्पिरेंट ब्रदर फ्रेंड्स। So you can share to this information to your particularly army aspirant friends and your colleagues, जिससे उनको आगे जो वो काम चाहते हैं उनका काम ठीक हो और उनको प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू।